चलिए इसको सीक्रेट पार्ट, ये मैजिक कैसे करना है। ये मैजिक करने के लिए चाहिए 4 कॉइन, 1, 2, 3, 4 चार कॉइन चाहिए, और चाहिए एक थैला। इसके अंदर 1, 2, 3 कॉइन डाल दीजिए और ये रिबन को भी इसके अंदर डाल दीजिए। बस ये हो गया। और ये जो कॉइन है, इस कॉइन को आप पॉकेट में छुपा के रखिए, आप लैप में रखिए कोई जगह पे, अब रख दीजिए इस कॉइन को। चलिए यहाँ रखें, अब आपको देखने में समझने में अच्छा लगेगा। अब पहले क्या करेंगे, इसको खोल के हम दिखाएंगे इसके अंदर, देखिए क्या है। ऐसे दिखा दीजिए, रिबन को पहले सामने रख दीजिए, कॉइन को आप ऐसे फैला दीजिए, ऐसे दिखाइए। लेकिन ये जो थैला है, इस थैला बहुत जरूरी, बहुत काम का चीज है, इसको हटाइए मत, इसको इधर रखिए। पहले रखने के बाद क्या कीजिए, इसको इसके अंदर डाल दीजिए, तीनों कॉइन को अंदर डाल दीजिए। तीनों कॉइन डालने के बाद आपको जो करना है वो है, ऐसे डाल दिया बस, इतना तो हो गया। उसके बाद आपको इसको हटाना है। जब इसको हटाते जा रहे हैं, उसके टाइम हटाने का नाम पे आपको क्या करना है, इस कॉइन को आप पाम में ले लेना है, इस कॉइन को ले लेना है, ऐसे ले लेना है। तो इसको हटाया और इसको ले लिया, बस। इसको अभी ऐसे दिखाते हैं, देखिए तीन कॉइन है, तीन कॉइन जब ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये लास्ट वाला जो कॉइन है, तीन कॉइन है तो लास्ट वाला जो कॉइन है, इसका अंदर में इसको ऐसे घुसा दीजिए, ऐसे इसको घुसा दीजिए, बस। ये देखिए ऐसे घुसा दीजिए, घुसाने के बाद आप इसको स्क्वायर कर लीजिए। अब पता नहीं चलेगा ये तीन है या चार है। जब आप इसको ये दायां हाथ से बायां हाथ में लेंगे, तब क्या आप नीचे वाला इस कॉइन को छोड़ दीजिए, नीचे वाला कॉइन को छोड़ के आप ये तीन ऐसे उठाइए। तो देखिए ये ऐसे जाता है, ये कॉइन है अभी रिबन का अंदर ही है, ये ऐसे जाता है, ऐसे इधर देखने में तीन ही लगता है। ये देखिए इधर तीन लगता है, देखने में तीन है, देखने में तीन है, लेकिन एक तो बाहर है। और ये जो कॉइन है, इसको लेकर ऐसे खींचिए, ये तो बाहर आ गया, पूरा बाहर आ गया। फिर इसको ऐसे लीजिए, आप देखिए ये बीच वाला कॉइन जो है वो बाहर आते नजर आएगा। ये देखिए, ये देखिए बाहर आ गया। उसके बाद आप क्या करें, दो कॉइन है, कोई हड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं, इस कॉइन को आप इधर से खींच के ये अंदर कर दीजिए। तो देखिए आपका हाथ भी आप दिखा सकते हैं, कुछ कुछ पता नहीं चलेगा। इसके अंदर अभी क्या है, एक कॉइन बाहर आ गया। ये देखिए एक कॉइन ये इस बाहर में आ गया, ये देखिए एक कॉइन आ गया। अब इसको ऐसे दिखा रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या करें, ऊपर वाला और नीचे वाला, माने टॉप या बॉटम, टॉप और बॉटम इन दोनों को आप ले लीजिए, दोनों को लीजिए और एक को ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे। लेकिन ये हाथ के अंदर होना चाहिए, ऐसे हमने जैसे दिखाया ऐसे नहीं। देखिए ये दोबारा दिखाता हूँ, ये कॉइन तो हाथ में था, ये ऐसे था, दो कॉइन इसमें, इसके अंदर दो है, दो कॉइन है। ये देखिए ये क्या हुआ, ऐसे करके ऐसे लिया, इस कॉइन का ऊपर आ गया, आ गया। इसको आप ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों को लीजिए, बीच वाला को ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। आप ऐसे दिखाइए, ऐसे दिखा के आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1, 2, 3। देखिए एक नीचे गिर गया, बाहर वाले जो जादूगर है ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग दिखाने का कोशिश किया बस, और कुछ नहीं, ऐसे दिखाते हैं। तो ये भी निकल गया। और
अभी ये तो ये अभी अंदर है, अब ये रिबन को ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद ये कॉइन को इसी तरह रख के इसको देखिए, ऐसे दिखाने से क्या लगता है, कॉइन हाथ में है, इसका अंदर रिबन भी है, ऐसा लगता है। तो क्या करना है, इसको ऐसे अगर ये थंब अगर हटाएंगे तो ये कॉइन गिर जाएगा, ये देखिए गिर जाएगा, तो पता नहीं चलता है कॉइन हाथ में है कि नहीं है, ये देखिए ऐसे। तो हमारे पास क्या है, ये कॉइन है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉइन को यहाँ लगा देंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे, तो लगेगा इस कॉइन से रिबन हट गया। तो हम रिबन को कैसे हटाएंगे, इस कॉइन के साथ इस रिबन को ऐसे हटा देंगे, लगेगा कि हम रिबन हटाया लेकिन रिबन के साथ ये कॉइन भी हमने ले लिया है। फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये देखिए ये है और ये कॉइन है, ये कॉइन तो मेरे हाथ में है, तो हमने दिखाते कि इसमें देखिए इसके अंदर रिबन है, तो हम ऐसे करेंगे तो ये रिबन निकल जाता है, ये देखिए रिबन निकल गया। फिर आप रिबन को चाहे रिबन को देने का टाइम भी वैसा ही है, इसको हटा दीजिए और इसको बैठा दीजिए, तो लगेगा रिबन इसका अंदर चला गया ऐसे। ये जब हो गया, अब इस रिबन को लेके ऐसे ऐसे आप ले लीजिए, इस हाथ में कॉइन है, ये हाथ से आप क्या कीजिए, ये एक और ये एक दो, ये दो कहते हुए इस तीन को लेके आप ऐसे इधर रख दीजिए, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये दो है या तीन है, लेकिन ये ज़्यादा थिकनेस नहीं होता है, लगेगा कि दो ही है। आप क्या कीजिए, इस कॉइन को आपको वैनिश करना है, वैनिश भी बहुत इजी है, ऐसे आप इस कॉइन को रखा, जब ये रिबन को आप उठाने को जा रहे हैं तब क्या करना है, इस कॉइन को ऐसे छोड़ देना है, ऐसे छोड़ देना है, तो इस रिबन को ऐसे उठा दिया, कॉइन देखिए इधर आ गया, इस रिबन को भी ऐसे उठा दिया। इसके बाद अब दिखाइए कॉइन वैनिश। जब ये हाथ आप रेस्ट करते हैं तो इस कॉइन को आप लैप में छोड़ दीजिए, ये देखिए ये कॉइन मैंने यहाँ छोड़ दिया, ये लैप में छोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे इसको छोड़ दीजिए, ये खाली एकदम नहीं है, आप दिखा सकते हैं, तो कॉइन कहाँ गया, इसको ऐसे फैला दीजिए कि तीनों कॉइन ऐसे आ गया। तो हमें लगता है आपको ये मैजिक भी बहुत अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, और ये मैजिक आपको कैसा लगा कमेंट करके भी जरूर बताना। लेकिन इस मैजिक के बारे में हम और कुछ बताना चाहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा ही फायदे में रहेंगे, पूरा वीडियो देखिए। इस मैजिक का एक खास जानकारी वो क्या है, सब अब हमको कमेंट करके ये बताएंगे कि सर हमारे पास तो चाइनीज कॉइन नहीं है, कहाँ ये चाइनीज कॉइन मिलेगा, कैसे हम चाइनीज कॉइन लाएंगे, कैसे दिखाएंगे। तो इसका एकदम सही सल्यूशन है, ये देखिए बीच में एक होल वाला कॉइन है, ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो घर में बना सकते हैं। आप सोचते कैसे बनाएंगे घर में, सर एकदम इजी है, ये देखिए वॉशर है, वॉशर मतलब वो नट बोल्ट का अंतर लगता है ना, नट बोल्ट का अंतर वॉशर लगता है, ये वॉशर ही है। देखिए हम थोड़ा नज़दीक जाके दिखाते हैं, देखिए ये लोहे का वॉशर है और कुछ नहीं, कॉइन नहीं है, ये कॉइन जैसा लगता है लेकिन ये कॉइन है ही नहीं, देखिए ये वॉशर है। तो वॉशर को हम कैसे कॉइन में बदल दिया, देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम सिर्फ जानकारी दे देता हूँ। इस कॉइन के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर ये देखिए, हम स्टिकर आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ये है स्टिकर, ये है ये स्टिकर को मैंने क्या किया, एक वॉशर का ऊपर इधर एक स्टिकर चिपका दिया, इधर एक चिपका दिया, तो बस चार वॉशर लिया। आप कोई भी हार्डवेयर दुकान में मिल जाएगा, चार वॉशर ले लिया और ये स्टिकर आपको बाजार में मिल जाएगा, कोई भी स्टिकर का दुकान में आप खोजेंगे तो चाइनीज स्टिकर बोल के मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा बड़ा या छोटा मिलेगा, उसको आप साइज करके कट लेना, छोटा सा देखेंगे आप,
अगर नहीं होगा तो आप घर में भी स्टिकर तो बना ही सकते हैं, स्टिकर बनाना भी आसान है। गामिंग सीट ले लीजिए, उसको गोल काट लीजिए और बीच में कोई भी डिज़ाइन आप बना दीजिए, कोई भी डिज़ाइन बना के उसको हटा दीजिए। जैसा हम थोड़ा सा दिखा देता हूँ, देखिए ये, देखिए ये तो स्टिकर दिख रहे हैं, ये इसको आप गोल दिखाई दे रहे हैं ना, इसके अंदर से आप थोड़ा सा आप अपना हिसाब से डिज़ाइन बना के यहाँ से ऐसे इसको हमने बना के रखा है। ये देखिए इधर से ऐसा इसको हटा दीजिए, देखिए फिर इधर से भी ऐसे हटा दीजिए, ये देखिए। अब थोड़ा सा कोई भी डिज़ाइन बना लीजिए, चाइनीज जैसा ही होना चाहिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखिए ये जो छोटा छोटा आपको टिप्स मैं देता हूँ, ये आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो इसको आपको पता नहीं चलेगा कि मैजिक आपको कैसे बनाना है, घर में आप बनाएंगे कैसे बनाएंगे। देखिए ये चाइनीज कॉइन का डिज़ाइन हो गया ना, इधर भी है, देखिए इसको इसको भी बीच में से हटा देता है। ये देखिए ये हमने घर में बनाया है, घर में एक गमिंग शीट को लाया है और अपने हाथ से काट दिया, बस देखिए डिज़ाइन हो गया। तो इस डिज़ाइन को आप एक वॉशर में चिपका दीजिए, बस देखिए आपका ऐसा बहुत ही अच्छा चाइनीज कॉइन बन जाएगा। ये देखिए रेड है, आप अगर ग्रीन चिपकाएंगे तो ग्रीन बन जाएगा, देखिए कितना अच्छा लगता है, ग्रीन अगर चिपका देंगे तो ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसे आप कॉइन घर में बना सकते हैं। और चाइनीज कॉइन का बहुत सारा है मैजिक, बहुत मैजिक है चाइनीज कॉइन का। तो हम आपको चाइनीज कॉइन का बहुत सारा मैजिक दिखाने वाला हूँ आगे। तो आपको चाइनीज कॉइन अगर बनाना आ जाए तो आप हर मैजिक आप कर सकते हैं। आज का जानकारी हमें लगता है आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा फिर से मैं कहूँगा एक लाइक ज़रूर करना और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, अब सब लोग खुश रहे, मैजिक में रहे, सुस्त रहे। टाटा बाय।